एक और बड़ी खबर आपको बलौदा बाजार से बता दें, जहां पर बीजेपी की 5 सदस्यीय जांच समिति अब अमर गुफा पहुंची है। मौके का मुआयना किया गया है समिति की तरफ से और पुजारी से जानकारी भी ली गई है। प्रभावितों के साथ बीजेपी के नेता मुलाकात करेंगे और इसके बाद जो कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है उनके प्रदर्शन स्थल दशहरा मैदान और अग्निकांड वाली जगह का भी जायजा लिया जाएगा। अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे बीजेपी के नेता। तो जहां देखिए एक तरफ कांग्रेस प्रदर्शन की तैयारी में तो दूसरी तरफ बीजेपी ने जांच अपनी तेज कर दी है। बीजेपी का जांच दल पहुंचा हुआ है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये वही अमर गुफा है जहां से ये पूरा विवाद शुरू हुआ था। अमर गुफा में चैतकाम तोड़ने को लेकर पूरा विवाद था। इस जगह पर अब बीजेपी के नेता पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रदर्शन स्थल दशहरा मैदान का भी जायजा लेंगे बीजेपी के नेता। लेकिन उससे पहले वो पहुंचे उस अमर गुफा पर जहां से ये पूरा विवाद शुरू हुआ था। दयालदास बघेल के नेतृत्व में तमाम बीजेपी के लीडर्स पहुंचे हैं और यहां पर अब मौके का मुआयना किया जाएगा, अधिकारियों के साथ बैठक भी की जाएगी। देखिए ये सारा कुछ तो षड्यंत्र किया हुआ है कांग्रेस का। बलौदा बाजार की घटना में सब कुछ किया धरा है कांग्रेस का और कांग्रेस ने इस प्रकार की स्थिति निर्मित की है। कांग्रेस की मंशा शुरू से ये स्पष्ट है और ऐसी दुर्भाग्यजनक घटना पर भी कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है, ये दुर्भाग्यजनक है। तो बीजेपी की 5 है वो इस वक्त बलौदा बाजार पहुंची हुई है, अमर गुफा का जायजा सबसे पहले लिया है। प्रभावितों के साथ भी बीजेपी के नेता मुलाकात करेंगे। और चलिए इस खबर पर ज्यादा अपडेट लेते हैं। देवेश साहू हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। देवेश, क्या जानकारी, अमर गुफा पहुंचे बीजेपी के नेता, क्या कुछ सबूत वहां से मिले हैं, जुटाए गए हैं और आगे का क्या कार्यक्रम होने वाला है बीजेपी के तमाम लीडर्स का? जी बिल्कुल, बीजेपी की 5 सदस्यीय टीम अभी अमर गुफा पहुंची है। 10:30 बजे जो है अमर गुफा जहां पर तोड़फोड़ हुई थी, माना कोनी वहां पहुंच चुकी थी और पहुंचकर जो है पूरे घटनास्थल का जायजा लिया है और ग्रामीणों से भी बातचीत की है। और ग्रामीणों से बातचीत करने के बाद जो है दयालदास बघेल ने कांग्रेस पर हमला बोला है कि कांग्रेस ने ये सारा काम जो है सतनामी समाज के लोगों को बदनाम करने के लिए करवाया है। वहीं घटनास्थल का मुआयना करने के बाद जो है गिरधारी धाम के मेन मंदिर वहां समिति गई थी और वहां से मंदिर के बाद से और भी जो ग्रामीण आसपास के हैं उनसे बातचीत कर रही है। बातचीत करने के बाद जब बलौदा बाजार के लिए रवाना होगी, बलौदा बाजार जब पहुंचेगी तो जो 10 जून को जो सभा जहां पर आयोजित की गई थी उस प्रदर्शन स्थल का मुआयना करने के बाद जिला संयुक्त कार्यालय पहुंचेगी, जहां पर अग्निकांड का जायजा लेगी। जायजा लेने के बाद जो इस कांड से जो प्रभावित लोग हैं, जिसकी गाड़ियां जली है, जिसके और भी कुछ नुकसान है, उनसे बातचीत करेगी और उनसे बातचीत करने के बाद अधिकारियों के साथ बैठक लेगी। बैठक लेने के बाद जो है रायपुर रवाना हो जाएंगे। ठीक है देवेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो देखिए क्या रूपरेखा कार्यक्रम की रहने वाली बीजेपी नेताओं की, ये हमारे संवाददाता आपको बता रहे थे। अमर गुफा का मुआयना किया, इसके बाद प्रदर्शन स्थल पहुंचकर वहां का भी जायजा लेते हुए बीजेपी नेता नजर आएंगे।